ये हमारा आता है इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स, ठीक है। ये पोर्शन हमारा है, लग रहा है नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमारे पास जो पोर्शन है वो है इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स। इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल में दो चीजें ध्यान में रखने की है, ठीक है, दो चीजें ध्यान में रखने की है। पहली चीज है दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से ग्रेटर हो, मतलब ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी, ग्रेटर देन ए बी, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। दो साइड का जो सम होगा वो हमेशा तीसरे साइड से ग्रेटर होगा। सेकेंड टाइप हमारे पास है, ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारे पास जो है वो है दो साइड का जो डिफरेंस होगा, दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा तीसरे वाले से बड़ा हो, तीसरे वाले से छोटा होगा, मतलब बन जाएगा ए बी माइनस बी सी लेस देन ए सी, बी सी माइनस ए सी लेस देन ए बी, ए बी माइनस ए सी लेस देन बी सी, ठीक है। नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू आ सकता है क्योंकि अभी यहाँ पे बारिश हो रही है। चलो ये दो चीजें हो गई। पहला पॉइंट क्या है, दो साइड का सम हमेशा तीसरे वाले साइड से ग्रेटर है, एंड दूसरा पॉइंट हमारे पास हो गया दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे वाले साइड से स्मॉलर होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारे पास हो गया, जैसे किसी ट्रायंगल में, तीसरा पॉइंट हमारे पास हो गया किसी ट्रायंगल में अगर कोई साइड, कोई एंगल दूसरे एंगल से ग्रेटर है, जैसे मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, लार्जेस्ट साइड के अपोजिट वाला सबसे लार्जेस्ट एंगल रहेगा। हाँ बिल्कुल, ए बी सी, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, इफ एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी, ठीक है, तो एंगल ग्रेटर एंगल के अपोजिट वाली साइड जो होती है वो भी ग्रेटर होगी, स्मॉलर एंगल के अपोजिट वाली साइड स्मॉलर होगी, मतलब ए के अपोजिट वाली साइड क्या हो गई, वो बना बी सी, बी के अपोजिट वाली साइड हो गई ए सी, तो बी सी ग्रेटर देन ए सी, ये हो गई हमारी तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये टोटल इनइक्वालिटीज में तीन प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी दो साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर है, दूसरी प्रॉपर्टी दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से स्मॉलर है, तीसरी प्रॉपर्टी जो बिगर एंगल होगा, बिगर एंगल होगा उसके अपोजिट वाला साइड भी बिगर होगा, जो स्मॉलर एंगल होगा उसके अपोजिट वाला साइड भी स्मॉलर होगा, ठीक है। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चंस में। पहला हमारे पास दिया हुआ है, ये कैप्स लॉक इज ऑन, तुम लोगों को वही दिख रहा है क्या, ऑफ तो कर दिया। यस सर, दिख रहा है, सब दिख रहा है, क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अच्छा ये ठीक है, ये एक बार बाय डिफॉल्ट हो जाता है तो हो जाता है, वही दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर वन, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए दिया है 40, एंगल बी दिया है 60, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो एंगल ए, देखो ट्रायंगल एबीसी है, ये एबीसी है, एंगल ए दिया है 40, एंगल बी दिया है 60, तो ए के अपोजिट वाली साइड, एक 40 है एक 60 है, तो लॉन्गेस्ट साइड देखना है, BC है सर, shortest,
सर लॉन्गेस्ट तो ए बी है, शॉर्टेस्ट बी सी है। 40, 60, ये हमारे पास कितना बन गया? 80, या 80, ठीक है। अब देखो, ए बी तो हो गया लार्जेस्ट, बी सी स्मॉलेस्ट। शॉर्टेस्ट साइड हो गई एंगल ए के अपोजिट वाली साइड, मतलब बन गया बी सी। एंड लॉन्गेस्ट साइड हो गया हमारा ए बी, लॉन्गेस्ट साइड हो गया हमारा ए बी। सेकेंड नंबर भी बताओ, एंगल बी और एंगल सी दोनों सेम है। सब बी सी, लॉन्गेस्ट बी सी लॉन्गेस्ट सेम है, तो बी सी हो गया। सर बी सी लॉन्गेस्ट, 45, 45, 90, मतलब तीसरा वाला 90 हो गया, 90 के अपोजिट हो गया। यस सर। इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ट्रायंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ 2, 3 and 7? बताओ। नो सर। टू से बड़ा होगा सर, दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर होता है, 2 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 7, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म। नेक्स्ट, एंगल बी 35 है, एंगल सी 65 है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी मीट्स बी सी इन पी, arrange AP, BP and CP in descending order. तीनों का bisector, bisector of angle BAC meets BC in P. इसमें कितने क्वेश्चन है टोटल? ए बी सी, ठीक है। ये दोनों एंगल हमारे सेम है, एंगल बी दिया है 35, एंगल सी दिया है 65, 35 और 65 मतलब हो गया 100, तो ये दोनों एंगल कितने कितने हो गए? ये हो गया 50, ये भी हो गया 50, ये है हमारे पास पी। तो एपी, बीपी और सीपी इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे बड़ा कौन सा होगा? एपी, बीपी और सीपी में सबसे बड़ा कौन सा होगा? 35 और 50, ये बन गया 85, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन गया हमारा 95, ये 95 है, तो ये कितना बन जाएगा? 1, ये भी बन जाएगा 95, 85, 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
देन सीपी, हो गया एपी ग्रेटर देन सीपी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है इन ट्रायंगल एबीपी। सर एंगल ए पूरा तो 80 बनेगा और उसके बाइसेप्स 40 छोटे के होंगे। एबीपी तो एबीपी में क्या हो गया 50 के अपोजिट, मतलब एंगल ए, हां एक मिनट रुको, सर एंगल ए 40 होगा सर, सर एंगल ए 40 होगा। यस सर। एंगल ए बी सी में तो सर ये कसम 180 सेंटीमीटर जा रहा है। ठीक है, अभी तक तो हमने हमारा उसका जरूरत ही नहीं पड़ा, है ना, जो हमने लिखा ये हमारा ठीक है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है हमारा एंगल ए, सर ये नीचे वाले एंगल भी अलग होंगे 95 एंगल ए के अपोजिट एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी, ये हो गया ना, एंगल ए के अपोजिट है बीपी, बीपी ग्रेटर देन एपी। ठीक है, अब बीपी एपी से बड़ा है और एपी सीपी से बड़ा है,
बीपी एपी से बड़ा है और एपी जो है वो सीपी से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या बन गया, हमारे पास हो गया बीपी ग्रेटर देन एपी ग्रेटर देन सीपी, हो गया ठीक है। नेक्स्ट ये तो कर लेना, अगले इसमें आ रहे हैं। अरे पी एंगल भी सर 105 और 75 में होता है क्या? एक चलो BPA तो 105 आएगा और CPA 75। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ? ये वाला सी में जो मैं बना रखा हूँ। यस सर 35, जो चाहिए उतने में से काम चल रहा है, समझ में आ रही बात? जो मैंने जो प्रूव किया उसमें उन एंगल्स का हमको यूज नहीं हो रहा, ठीक है, चलो अगले इसमें आ जाते हैं। अब इसमें आ जाओ, ए बी सी डी प्रूफ करना है, सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन टू टाइम्स ऑफ एस। एक बार ट्राई करो पहले, सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी प्लस बी सी, ए सी से बड़ा होगा, टू टाइम्स ऑफ ए सी से बड़ा होगा, करो बताओ कैसे होगा। सर AB प्लस CB इज ग्रेटर देन AC और दूसरे ट्रायंगल में AD प्लस CD इज ग्रेटर देन AC, तो सर उनको जब कंबाइन करेंगे ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD AD प्लस CD ग्रेटर देन ए सी, हो गया। इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, वन प्लस टू कंबाइन देंगे ए डी प्लस ए डी प्लस सी डी प्लस ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी। सर डन सर, सेकंड नंबर करो। यस सर डन सर, सेकंड नंबर करो। सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी ग्रेटर देन बी सी, डी ए प्लस सी डी इज ग्रेटर देन ए सी, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, सो सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। बिल्कुल सही है, सेकंड नंबर इसका। यहाँ पे हो गया हमारे पास सी डी प्लस डी ए, सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी, एंड ए सी प्लस ए बी ग्रेटर देन बी सी, तो इट इंप्लाइज दैट सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी ग्रेटर देन बी सी, हो गया प्रूफ, ठीक है। यस सर, नेक्स्ट आते हैं और देखो और कितना क्वेश्चन बचा है इसमें, ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा आज। आज हम क्वाड्रिलेटरल भी स्टार्ट कर लेंगे, थोड़ा सा बताया लेवल टू का। क्वेश्चन नंबर 10 करो, ओ इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो OB प्लस OC ये हो गया O,
ए बी सी ओ. अब ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी ओबी प्लस ओ सी से बड़ा होगा, कैसे होगा बताओ. ओ इज एनी पॉइंट. ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी ये हमारे पास है, ओ बी प्लस ओ सी ये है, ओ बी ये है ओ सी. ए ओ सी और ए ओ बी से कर सकते हैं, उसमें ओ ए को ऐड कर लो. ठीक है सर, ऐसे कर सकते हैं सर, ए ओ प्लस ओ सी इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन ए सी इस तरीके से. एक मिनट रुको, अपने को लाना है ओ बी लाना है और ओ सी लाना है. ठीक है, बीच में कॉमन आ रहा है एओ, तो बाद में एओ को कैंसिल भी तो करना पड़ेगा ना, कैंसिल भी तो करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसको कैंसिल कैसे करें. ए बी प्लस एओ ग्रेटर देन ओ बी, एक बार लिखते हैं, ए बी प्लस एओ ग्रेटर देन ओ बी हो गया. नेक्स्ट क्या है, AC plus AO greater than OC. उससे तो कुछ होगा नहीं ना, यहाँ पर AO साथ में आ रहा है. Yes sir. AO को तो हटाना पड़ेगा. इस तरह से कर सकते हैं क्या, पॉइंट O से AC के ऊपर एक D पॉइंट ले लेंगे और उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे. इसको आगे एक्सटेंड करने बोल रहा सर, एसी के ऊपर एक्सटेंड कर दें, एसी के ऊपर पॉइंट, ये ऐसा बोल रहा. यस सर. उससे क्या होगा, चलो इसको डी लिखा, फिर बताओ. तो सर एबी प्लस एडी इज ग्रेटर देन बीडी. एबी एडी, AB plus AD greater than BD, उससे क्या पड़ा. और सर BD OB plus OD है. ठीक है, तो सर ये इक्वेशन वन हो जाएगी. क्या बोल रहा है, क्लिक के देख लो, ये इक्वेशन वन हो जाएगी. AD, AB plus AD greater than BD, AB plus AD greater than OB plus OD. Yes sir. क्या करें सर, बाद में ट्रायंगल ODC में OD plus DC greater than OC. OC ODC, OC plus CD, फिर तो CD आ गया, फिर तो एक नया टर्म आ ही गया ना. फिर तो नो सर, OD plus DC is greater than OC. OD plus DC is greater than OC. OD plus DC. DC greater than OC. Greater than OC. OD plus DC. Three equation two हो जाएगी. Three equation two हो जाएगी. OD plus DC है ना, लेकिन greater than OC. Yes sir. Equation two हो जाएगी sir. बाद में दोनों equation को add कर देंगे. अरे ये ए बी प्लस ए डी बना ग्रेटर देन ओ बी प्लस ओ डी. ठीक है, यस सर. एक मिनट, और क्या क्या आ रहा है सर, बाद में दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इन दोनों को, उससे क्या बनेगा. यस सर, बाद में ए बी प्लस ए डी प्लस ओ डी प्लस डी सी ग्रेटर देन ओ बी. एक मिनट, ए बी प्लस ए डी
प्लस ओ डी प्लस ओ डी प्लस डी सी प्लस डी सी ग्रेटर देन ओ बी ए डी प्लस डी सी बन गया ए सी ए सी लाना है ना अच्छा हाँ वहां पे लग गया ठीक है तो ए डी प्लस डी सी बन गया ए सी तो बना ए बी प्लस ए सी यस सर ओडी ओडी हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सही बात ठीक है सही थोड़ा एडजस्टमेंट हो गया इसमें है ना तो ए बी प्लस ए डी प्लस ओ डी प्लस डी सी ग्रेटर देन ओ बी प्लस ओ डी प्लस ओ सी इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया ओडी ओडी दोनों जगह से कट गया ए डी प्लस डी सी ठीक है ए डी प्लस डी सी क्या बन गया ए सी तो बना ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन ओ बी प्लस ओ सी ए सी ठीक है ये हो गया इसी का सेकेंड पार्ट करो जरा एक बार और एक्सप्लेन कर दो एक बार और बताना है ओ से डी को ज्वाइन ठीक है ओ से डी को आगे एक्सटेंड कर दिया मतलब बी ओ को एक्सटेंड कर दिया डी तक तो क्या बना ए बी प्लस ए डी इक्वल टू ग्रेटर देन बी डी ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन बी डी फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है अब बी डी का मतलब क्या हो गया बी ओ प्लस ओ डी ओ बी प्लस ओ डी अब उस ट्रायंगल में ट्रायंगल ओ डी सी में क्या बनेगा OD प्लस DC OC से बड़ा है OD प्लस DC OC से बड़ा है उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बना AB प्लस AD प्लस OD प्लस DC OB प्लस OD प्लस OC OD OD तो दोनों साइड से कट गया AD प्लस DC AD प्लस DC yes, क्या बन गया AC बन गया तो AB प्लस AC ग्रेटर देन OB प्लस OC सर आ गया समझ में सेकंड वाला बताओ सेकंड वाला बताओ या थर्ड वाला बता दो एक ही बात है सर सेकंड वाले में ऐसे हो जाएगा कि सर ऊपर ए बी प्लस ए डी AB plus AC greater than OB plus OC first वाले का use करके second वाला हो जाएगा yes sir first वाले का use कर लो second वाला हो जाएगा similarly करके yes sir जैसे इन दो से वो दो बड़ी थी ऐसे ही हो जाएंगी सारी इसमें क्या बना AB plus AC greater than OB plus OC ठीक है नेक्स्ट बनेगा BC plus AC greater than एक मिनट इधर डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा और तीनों को ऐड कर देंगे ठीक है so greater than OA plus OB एक बार डायग्राम बना लेने दो ऐसे थोड़ा सा करने में दिक्कत जाती है yes, sir. A, B, C, O, ठीक है तो ए बी प्लस ए सी ओ बी प्लस ओ सी का इक्वल बी सी बी सी प्लस ए सी ये बनेगा ओ ए प्लस ओ बी का ओ ए प्लस ओ बी वही अपोजिट में जो आ रहा है ना वही आ जा रहा है फिर नेक्स्ट बनेगा सी ए प्लस सी बी ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा ओ ए प्लस ओ सी के यस सर ठीक है मतलब ए बी प्लस ए सी ओ ए प्लस ओ सी तीनों को ऐड इनको ऐड कर देंगे ऐड करेंगे तो बनेगा टू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी greater than 2 times of OA plus OB plus OC 2 कट गया so 2 cancel हो जाएगा AB plus BC plus AC greater than OA plus OB plus OC हो गया बस वही लाना अब उसके बाद वाला क्या है इसको 2 से multiply कर दो तो क्या होगा ये तो इससे होगा उसका क्योंकि दोनों equal है ना दोनों मतलब greater का sign है तो इसलिए इक्वल होगा ठीक है
क्वेश्चन नंबर 12 अरे 12 में तो कुछ करना ही है. टू थर्ड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, टू थर्ड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कितना हो गया 60 डिग्री. Yes, sir, 60. Angle opposite to longest side is 60 degree. Other than equilateral triangle, angle opposite to longest side is greater than 60 degree. Obviously, hoga. Other than equilateral triangle. Yes. Okay. Other than equilateral triangle, मतलब जो angles होंगे, उसमें जो सबसे बड़ा angle होगा, वो obviously 60 से बड़ा होगा, ठीक है? जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो ऑब्वियसली 60 डिग्री से बड़ा होगा. तो वही तो हमको बताना है, जो लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल होगा वो ग्रेटर देन 60 डिग्री होगा, ऑब्वियस है. चलो तो ये इसमें एक दो क्वेश्चन जो बच रहेगा तो उसको कर लेना, डाउट रहेगा तो कल नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास अभी कह नहीं सकते कि मैम मंडे अभी कोई गारंटी नहीं है कि मंडे को मैं लाइव क्लास लूंगा, ठीक है? सर हमें स्कूल कब से आना है? तुम लोग का भी शेड्यूल आ जाएगा, अभी तो फिलहाल 10th 12th का लगा है ना, वो भी हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, उसका भी प्लान हो जाएगा, ठीक है? तो मंडे को हो सकता है कि मैं वीडियो शेयर करूं तुम लोग, ठीक है सर? तो पॉसिबिलिटी है, अगर मान लो टाइम मिल गया मैं स्कूल से ही, अगर मुझे लाइव क्लास लेने का टाइम मिल गया, ठीक है, तब तो मैं वहीं से लाइव ले लूंगा. Otherwise, तो जो भी रहेगा लिंक विंक जो अगर रहता है, अगर लाइव होने का कुछ पॉसिबिलिटी बनेगा तो उस समय देख लूंगा, ठीक है? अदरवाइज मैं वीडियो शेयर तो स्टूडेंट्स ही जाएंगे ना, एक छुट्टी एक दूसरे क्या बोल रहे हो सर? आप बच्चे जाएंगे ना एक दिन आप दूसरे. Actually, odd event type का जो मैं तुम लोग बोल रहे थे ना, odd event जैसा होगा roll number. Yes sir. तो जिसका odd day होगा, जिसका मान लो roll number है 13579 इस type से करके है. Roll number कौन सा? School का मतलब जो exam का जो roll number जो तुम लोग को मिला उसके according. तो पहले तीन दिन odd वाले, बाद के तीन दिन even वाले, ऐसा system चलेगा. चलो ये थोड़ा हमारे पास टाइम कम है, तो ये जो आसान वाला एक्सरसाइज है 13.1 ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? पहला वाला थ्री एंगल्स होगा, तुम लोग भी ट्राई करो, तब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं. एनी क्वाड्रिलेटरल है तो उसको पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल टाइप का बनाने की कोशिश मत करना. सीओ एंड डीओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ, चलो पहले नेमिंग कर लें, ए बी सी डी. एंगल सी और एंगल डी के बाइसेक्टर्स, एंगल सी ओ डी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए प्लस बी, ये हमको प्रूफ करना. कोई भी एनी क्वाड्रिलेटरल, सर ये वैसे हो जाएगा एंगल डी प्लस सी इक्वल टू 360 माइनस एंगल ए प्लस बी.
ए प्लस बी चाहिए, पहले लिखो एंगल सी ओ डी. एंगल सी ओ डी इक्वल टू हाफ ऑफ, सॉरी हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी, 180 माइनस, 180 माइनस हाफ, हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी. एंगल डी नेक्स्ट हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री. तो एंगल सी प्लस डी की वैल्यू क्या हो गई, एंगल सी प्लस डी की वैल्यू हो गई 360 माइनस सी ओ डी, होगा ना, ये बच जाएगा हमारा. यस सर. तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी ओ डी इक्वल टू 360 हो गया. ये समझ में आई बात, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स ऑफ सी ओ डी और ये हो गया 360 कट गया तो बना एंगल सी ओ डी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी. बारिश हो रही है चुड़ी आने वाली में. हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है. चलो नेक्स्ट आ जाओ. ये तो निकाल लो कि पैरेललोग्राम है, दो अपोजिट एंगल पता है तो ईच एंगल निकल जाएगा ना. यस सर. करो जरा जल्दी से. यस सर. पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है. अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं. 3x minus 2 is equal to 50 minus 6. A, B, C, D. एक है 3x minus 2, दूसरा है 50 minus x. तो 3x minus 2 plus 50 minus x. Sir, 13.1 नहीं करेगा. Equal to 50 minus x. Sir, x की value 13 आ जाएगी. ये 50 माइनस 2 है क्या. चलो 4x इक्वल टू 52. यस सर. x इक्वल टू 13. x इक्वल टू हो गया 13. x इक्वल टू 13 हो गया तो हमारे पास बना एक एंगल तो 37 हो गया. एंगल 37 हो गया 37. एंगल b इक्वल टू हो गया 50 माइनस 13 मतलब 143. एंगल ए इक्वल टू कितना हो गया, वन एट्टी माइनस 37. सर एंगल डी और एंगल बी इक्वल नहीं होंगे. सर एंगल बी और एंगल डी इक्वल नहीं होंगे. 37 ही आएगा वो. 37 ही आएगा. 37 आएगा सर. बी 37 ही आएगा. 37 ही. एंगल सी हो गया, ये भी हो गया 143, ठीक है. नेक्स्ट अगर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम 22, लॉन्गर साइड 6.5. What is the measure of shorter side? बताओ जरा जल्दी से. 9. बिल्कुल सही है. 9 by 2. उसका डबल है 6.5. 4.5. हाँ उसका डबल हो जाएगा ना. तो हमारे पास हो गया 2 into
6.5 प्लस x इक्वल टू 22 तो बन गया हमारे पास 6.5 प्लस x इक्वल टू 11 11 माइनस 6.5 कितना बना 4.5 यही हो गया हमारा शॉर्टर साइड. क्वेश्चन नंबर 5 एंगल डी दिया है 135 एंगल ए और एंगल बी निकालना. एंगल बी अपोजिट है एंगल बी हो गया 135 एंगल ए इज इक्वल टू 45 एंगल